प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले टर्म पे मैंने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं जो टॉपिक टच करूंगा उनमें वेक्टर फ्लक्स है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स एंड डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मैं सबसे पहले वेक्टर फ्लक्स को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वेक्टर फ्लक्स, जिसको हिंदी के अंदर सदिश अभिवाह कहते हैं, और इसको किसी सदिश क्षेत्र के लिए किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, जहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ ये जो डी फाई है, इसको हम नेक्स्ट इस तरह से इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस वेक्टर ए डॉट डी ए, जहाँ वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी सदिश क्षेत्र को व्यक्त करता है, और डी ए क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्षेत्रफल अल्पांश को व्यक्त करता है। तो इस समाकलन को सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठ समाकलन भी इसको कहते हैं। अब आते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन अभिवाह, सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। माना किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर ए एक्स वाई जेड में डीवी आयतन का एक बंद पृष्ठ स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस ए डॉट डी ए, जैसे पहले हमने इसको डिफाइन किया है निर्गत फ्लक्स को। अतः सदिश ए के अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस, जैसे डाइवर्जेंस को ऊपर डिफाइन किया है, प्रति एकांक आयतन के रूप में इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इक्वल टू लिमिट डेल वी टेंस टू 0 1 अपॉन डी वी इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस वेक्टर फील्ड ए डॉट डी ए, यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। तो सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस को इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन और होल सरफेस एस या क्लोज सरफेस एस बंद पथ पर समाकलन को व्यक्त करता है। सभी सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है। अब फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स। यहाँ ये जो डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड का, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अपन समझ सकते हैं। किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस
धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन अल्पांश में स्रोत उपस्थित है जिसके कारण से फ्लक्स निर्गत हो रहा है। यदि विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक है तो इसका अर्थ ये मान सकते हैं कि आयतन अल्पांश में धन आवेश उपस्थित है। इससे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं, अर्थात आयतन में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। यदि डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो तो ऐसे सदिश जिसका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर है उन्हें परिनालकीय सदिश कहते हैं। अर्थात परिनालकीय सदिश क्या होते हैं? परिनालकीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव क्षेत्र स्रोत या सिंक के उपस्थिति के कारण से होती है। तो यहाँ ये इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर डाइवर्जेंस किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ इसके लिए मैंने राइट हैंड साइड के अंदर और यहाँ एक आयताकार एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करते हुए और एक आयताकार जो अल्पांश है उसको व्यक्त किया है, लिखा है इसके अंदर, रखा है इसके अंदर। तो यहाँ कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान निकालने के लिए माना यहाँ इसके आयतन में P कोई बिंदु है, P पर सदिश क्षेत्र का मान वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है तथा इसके घटक क्या हैं? AX, AY तथा AZ हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप AX प्लस जे कैप AY प्लस के कैप AZ। यदि एक्स दिशा में एक्स के परिवर्तन की दर डेल AX अपॉन DX के द्वारा या इसको बताएं हो तो P से DX बाई टू, क्योंकि P किस में? मध्य में है, इसलिए राइट हैंड साइड के अंदर प्लस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसलिए P से DX बाई टू दूरी पर स्थित पृष्ठ एल क्यू आर एम, अर्थात ये वाला जो पृष्ठ है LQRM, इस पृष्ठ पर क्या हो गया? सदिश क्षेत्र के एक्स घटक का मान कितना हो गया? AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स इंटू DX बाई टू, इस इक्वेशन के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। इसी तरह से P से माइनस DX बाई टू अर्थात लेफ्ट साइड के अंदर दूरी पर स्थित पृष्ठ KISN, इसका मतलब कौन सा होगा? ये वाला जो पृष्ठ होगा, ये वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो गया? इसका मान हो गया आगत फ्लक्स का मान कितना हो गया? AX माइनस डेल AX अपॉन डेल एक्स इंटू DX बाई टू इंटू DY DZ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ इसलिए षट्फलक आयतन अल्पांश से एक्स अक्ष के अनुदेश निर्गत फ्लक्स दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ फ्लक्स निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? AX प्लस
डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई डी जेड माइनस ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई इंटू डी जेड। इसको जो सोल्व करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर इक्वेशन वन के रूप में हमें मिल जाता है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी वी। यहाँ डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड अल्पांश का आयतन के रूप में और हमें ये इसके अंदर मिल जाता है अल्पांश आयतन है। पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत फ्लक्स को धनात्मक तथा पृष्ठ के अंदर आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक माना गया है। इसी प्रकार षटफलक से y तथा z अक्षों के अनुदेश निर्गत फ्लक्स का मान क्रम से कितना हो जाएगा, यहाँ इसको इसके द्वारा लिख सकते हैं y x के अनुदेश क्या होगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वी और जेड एक्स का अनुदेश कितना हो गया डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी वी होगा। इसलिए आयताकार षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स इंटीग्रेशन और होल सरफेस एस वेक्टर ए डॉट डी ए इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी वी प्लस डेल ए वाई अपॉन डी वाई डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डी वी। अब यहाँ इसको डी वी को कॉमन निकाल देते हैं या हमें इक्वेशन टू के रूप में और इस तरह से यहाँ ही मिल जाती है अर्थात यहाँ निर्गत फ्लक्स यह आगे डेल ए एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन जेड इंटू डी वी इक्वेशन टू के रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। या डेल संकारक की परिभाषा अनुसार डेल संकारक की परिभाषा क्या है इसको इस तरह लिख देते हैं डेल डॉट वेक्टर ए इक्वल टू डेल को कैसे डिफाइन किया था पहले आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट वेक्टर ए अर्थात आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। या इसी को रूप लिख देते हैं डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये इक्वेशन तीन के रूप में और इसको लिख दिया जाता है। अब समीकरण तीन व दो से तो यहां ये क्या आ गया ये इंटीग्रेशन और होल सरफेस एस ए डॉट डी ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर ए इंटू डी वी इक्वेशन फोर के रूप में इसको यहाँ लिख दिया जाता है। अब डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या है डाइवर्जेंस ए इक्वल टू लिमिट डाइवर्जेंस डी वी टेंस टू जीरो वन अपॉन डी वी इंटीग्रल ओवर होल सरफेस एस ए डॉट डी ए। अब यहाँ ये इक्वेशन फाइव के द्वारा मैंने लिख दिया इसको। अब इक्वेशन फोर और फाइव की कंपैरिजन कर देते हैं तुलना कर देते हैं तो इससे आ गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर ए। अतः किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद।